तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं आ चुका है हमारा ऑर्डर, और इसको अब जल्दी फाड़ के निकालते हैं। यहाँ से फाड़ दूँ, हाँ यहीं से फाड़ देते हैं जल्दी। पैकेजिंग सही है, अब देखते हैं सही माल निकलता है कि नहीं, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट का भरोसा नहीं रहता। कहीं कुत्ते का पट्टा ना भेज दियो। हाँ ये हुई ना बात, सही माल है। हाँ सही है सही है। चलो अब इसको जल्दी से जल्दी अपनी की पे लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है अपना की। सबसे पहले तो ये पुरानी वाली की को खोलते हैं फटाफट, जल्दी से खोल देते हैं इसको पुरानी वाली को और नई वाली को लगाते हैं। कहाँ गया, अब जल्दी लगाते हैं। बस 2 मिनट होल्ड कर, इसके नाप लग गया नहीं पता। चलो अब जल्दी से इसको लगा ले, और एक काम भी हो गया, चलो राइड करने जाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है और सही है या नहीं, क्या प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लगा लेते और अब चलते हैं और देखते हैं इसमें कैसा लग रहा है गाड़ी अपनी। तो देखने में तो अपनी बाइक पे बड़ी मस्त लग रहा है। हाँ हाँ यस सही है एकदम। तो एक काम करें, थोड़ा आगे जाके जाते हैं क्योंकि वीडियो में लंबा करना नहीं चाहता है और शाम भी हो जाएगी जल्दी ना, तो थोड़ा जल्दी भगा भगा के जाते हैं और देखते हैं क्या होता है और कैसा लगता है, बताता हूँ आपको आगे। वैसे तो बात कर लेते पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो देख सकते हैं आप इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत मतलब बहुत मजबूत है। चल टान के दिखा दो एक बार कितना मजबूत है, देखते हैं टान। हाँ तो इसका क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो प्रिंटेड है आप देख सकते हैं, तो प्रिंटेड जो है कहाँ गया, हाँ ये जो प्रिंटेड दिख रहा है अब वो भी सही है, मतलब पानी में धोने के बाद भी नहीं गया, मैंने 2-3 बार वॉश करके देखा पर सही है। मतलब अभी तो इतना कुछ जल्दी नहीं बता सकते, लेकिन जितना इसको 110 ये वर्थ इट है, मतलब ले सकते हैं आप। और क्या बोलूँ, चेन की सही है, इसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, मतलब इसको लगाने के बाद जैसे ये रहा अपना की और इसका लंबा, इतना लंबा तो ये कभी इधर घुस जाता है कभी इधर चल जाता है। मतलब एक बार तो ये जो आपका रेडिएटर है वहाँ पर जाके लग गया था, फिर मतलब रेडिएटर में लग रहता था, इंजन भी गर्म रहता तो ये पिघलने का चांस रहता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा ऐसे पकड़ के यहाँ पर ऐसे बांध के, तो ये थोड़ा मेरे को ओड लगा, मतलब थोड़ा सा ओड लगता है ऐसे पकड़ के चलाने में, क्योंकि पकड़ लो फिर तो हैंडल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ओड लगता है। और थोड़ा रात हो गया तो इतना तो चलते ही है, तो चलो हो गया चलें, हम इतना ही करना था आज, थोड़ा घूमे फिरें और क्या। जी हम भी आज चलाएंगे। आज तुम चलाएगा, चला पाएगा? हाँ। चल बैक कर, चलो आज इसको देते चला के दिखाओ। चला ले, लाइसेंस है? नहीं। कौन लाइसेंस देता है? हाँ स्टार्ट करना पता है तो, हाँ चल दिखा, स्टार्ट करके दिखा। चलो आज आज देख देख, ये भी हंसने के लिए आ गया तेरे ऊपर, ठीक है ना। हाँ स्टार्ट तो कर दिया, अब दिखा चला के दिखा। बैक करो, करो बैक, चलाएगा ना, बैक करो। तो देखते हैं आज अपना छोटू चलाएगा, कैसा चलाता है अपना ड्यूक। हाँ गियर चेंज करने जानता है लड़का, देखते कितना बार बंद करता है गाड़ी को, ठीक है ना, बैक करने में। हाँ हाँ ऐसे कहते हैं हाइट के फ़ायदे ना। हाँ तुम चला, हम आगे से देखते हैं कि कैसे चला रहा है। चलो तो जैसे छोटू ड्यूक चला रहा है, बड़ा हो गया लड़का अपना, तो कैसा लग रहा है छोटू ड्यूक चला के? अच्छा लग रहा है, अभी से ड्यूक चलाएगा, लाइसेंस कौन दिया तेरे को? बना लेगा, पहले उबर तो दे दे। शाम हो रहा है, चलो तुम चला लो थोड़ा सा फिर चलेंगे घर जल्दी, चलो चलो। तो जैसे कि गाइस रोड में कोई नहीं और शाम हो गया, और इसको थोड़ा थोड़ा चलाने, मतलब इसको चलाने आता ही, पहले भी ड्यूक चला चुका है इसीलिए मैं इसको चलाने दे रहा हूँ। लेकिन आपको अगर नहीं आता और आपका उम्र कम है तो इस वीडियो का पर्पज़ नहीं है कि आप चलाएं और कुछ हो, और ऐसे भी अभी राइडिंग गियर्स भी इसने नहीं पहना, तो राइडिंग गियर्स पहनना ज़रूरी है। बस मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना आया था तभी चला रहा है, लेकिन आप ये ट्राई ना करें, रिस्क। तो अगर जिसको आता है वो करो,
मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा वीडियो देख के क्यों बोल के ये मत बोलना। तो चला लिया, खुश? बुखार उतरा तेरा? नहीं, बुखार नहीं उतरा। तो हम तो बोला था चलाने से बुखार उतर जाएगा। हाँ तो बताओ, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, चला के क्या लगा, रिव्यू दो गाड़ी का। ठीक ठाक है, बस खाली चैन सॉकेट इतना आवाज़ कर रहा है। हाँ तो एक साल से सर्विस नहीं हुआ तो चैन सॉकेट आवाज़ करेगा, और क्या लगा, देखते हैं तेरा, मेरे साथ तो रहते हो, बताओ। ठीक है, पिकअप भी ठीक है, बस वही। तुम पिकअप का बात करेगा? कौन सा लास्ट बाइक चलाया था? चलो अब, चलो अब घर चलते, चलो अब छोड़ो, तुम उतरो, लगाओ स्टैंड लगाओ। तो जैसे कि गाइस, छोटू चला लिया, उसका दिल खुश, अब चलते। छोटू का रिव्यू भी प्यारा सा मिल गया बाइक का, ऊपर बड़ी नॉलेज है उसको बाइक का लग रहा है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, चेन रिंग का यही प्रॉब्लम है कि मेरे को इसको ऐसे पकड़ के चलाना पड़ता है, या तो इसको ऐसे बांध के चलाना पड़ता है। बाद बाकी इसका सब सही है, नहीं तो वहाँ पर लग जाता है, फंस जाता है। तो जैसे कि गाइस, अब रात भी हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक लिए छोटा सा ब्लॉग आप यूज किएंगे, और चेन रिंग की बात किया तो सही है, जिसको लेना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाइक कर सकते हो। तो अब चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा रात हो गया, वीडियो भी सही नहीं आएगा। तो चलो अब निकलते हैं, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, सी यू सोन।